लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य सरकार ने यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोकल्स के लिए कोई भी चीज की नहीं है। बस यहाँ पे नाम देके वो यहाँ पे खुद का जीत गए ऐसा वो दिखाने का कोशिश कर रही है। शिवसेना किसी के साथ ना बात करते हुए सिर्फ खुद के ही दिमाग से वो चलने का काम यहाँ पे कर रही है। यहाँ के लोगों को पुलिस की धमकी, पुलिस का बल, इससे ये ऐसा हुआ अगर कहेंगे कि नहीं पुलिस ने परमिशन नहीं दिए, कोई फर्क नहीं गिरता है। एयरपोर्ट को डीओडी साहब का ही नाम यहाँ पे मिले इसके लिए हम जी जान से हम कोशिश करेंगे। नोइंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए इसकी मांग को लेकर 24 जून को प्रकल्पग्रस्तों का विशाल आंदोलन होने वाला है। राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे का नाम देना चाहती है, लेकिन प्रकल्पग्रस्त अपने मसीहा के नाम पर अड़े हुए हैं और इसलिए आंदोलन चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ पनवेल महानगर पालिका में सभागृह नेता और बीजेपी के युवा नेता परेश ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या ऐसी कितनी आपको इम्पोर्टेंट ये बात लग रही है कि नोइंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का ही नाम दिया जाना चाहिए? दीबा पाटिल साहब का इस नोइंबा के पूरे जो नोइंबा शहर आज जो खड़ा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा, किसका सबसे बड़ा सहयोग रहेगा, तो दीबा पाटिल साहब का रहेगा। आप भी देख सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो वो यहाँ पनवेल उरण में क्यों आता है, तो उसका कारण ही यही है कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने नए नए प्रकल्प को, नए नए कामों को उन्होंने साथ दिया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, तो उसकी वजह से ही एयरपोर्ट हो या फिर वो मेट्रो हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे ही आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक सोचने का एक अच्छा नज़रिया है, विकास को देखा जाता है। और ये सब हमें है वो दीवाडी साहब ने यहाँ पे सिखा हुआ है। हमने सभी प्रोजेक्ट का यहाँ पे स्वागत ही किया हुआ है, पर वो हमने कोई भी वहाँ पे कभी भी हमने खुद को वहाँ पे गिरवी रखा नहीं है, और इसकी वजह से ही हम आज खुद के पैर पे खड़े हो चुके हैं। और इसका कारण अगर कोई होगा तो दीवाडी साहब होगे, या यहाँ पे दीवाडी साहब का नाम दिया जाए या और किसी का नाम दिया जाए, भाई हमारा तो कहना यही है कि जिनका इस नवी मुंबई को रचाने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया हुआ है, ऐसे ही आदमी का नाम यहाँ पे दिया जाए। दीबा पाटिल जी एक बहुत ही बड़ा ऐसा नाम थे जिन्होंने यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया हुआ है, हमेशा एग्रीटेशन किया हुआ है, आंदोलन किया हुआ है, और उसकी वजह से दीबा पाटिल साहब का बहुत बड़ा नाम है। और इसके लिए यहाँ पे दीबा पाटिल साहब का ही नाम इस एयरपोर्ट को दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हमें लगता है। सर, जिस तरह से राज्य सरकार विकल्प दे रही है कि किसी और प्रोजेक्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, ये आपको कितना जायज लग रहा है? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को और इस पहचान को भटकाना चाहती है? यहाँ पे हाँ, सच्ची में आप कहते हैं कि यहाँ पे ये सिर्फ मतलब ये चीज़ है, इसको भटकाने का ही काम कर रही है। यहाँ पे एयरपोर्ट का आज तक वहाँ पे एक ईंट भी वहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, सिर्फ हिल कटिंग का ही काम चल रहा है, और इनको सड़कों में अगर यहाँ पे उनको रेजोल्यूशन ला के ठहराव ला के वहाँ पे नाम देने के लिए वहाँ पे वो वहाँ पे मीटिंग लेते हैं, बहुत ही हास्यास्पद है। जब तक बच्चा ये पैदा होने वाला है ऐसा मतलब चलो वो वक्त है, नज़दीक नहीं आता, तब तक हम नाम कोई भी फाइनल नहीं करते हैं। काफ़ी सारे नाम हम सोचते हैं, वैसे ही होता है। यहाँ पे राज्य सरकार ने यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोकल्स के लिए कोई भी चीज़ की नहीं है। बस यहाँ पे नाम देके वो यहाँ पे खुद जीत गए ऐसा वो दिखाने का कोशिश कर रही है, ये एक सरासर गलत चीज़ है। आप यहाँ पे यहाँ के जो स्थानिक भूमिपुत्र है, प्रकल्पग्रस्त जो है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स, इनके लिए इनका यहाँ पे विकास हो, इसके लिए आप कोशिश करके दिखाइए और फिर आप हमसे बात कीजिए। नहीं तो ये इस तरीके से सिर्फ झगड़ा लगाने का आप काम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात यहाँ पे राज्य सरकार कर रही है, ऐसे ही मुझे लगता है। सर, एक अगर देखा प्रस्तावों की बात, तो पिछले 2004 से 2008, 2015, 2018 और लगातार 2020 तक हमेशा इसकी मांग चलती रही है कि इस एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का ही नाम दिया जाना चाहिए। विधानसभा में भी मुद्दा उठा है,
संसद में भी इसकी चर्चा हुई, इसके बावजूद भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने नया प्रस्ताव और एकल प्रस्ताव लाया कि सिर्फ बाला साहब ठाकरे का ही नाम होना चाहिए, आपको नहीं लगता ये प्रकल्पग्रस्तों के साथ बड़ी साजिश थी शिवसेना नेताओं की? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी ने भी इस एयरपोर्ट को दिवाटिल साहब का नाम दिया जाए इसके लिए उन्होंने भी यहाँ पे रजामंदी दी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के माननीय शरद पवार जी, इन्होंने भी दिवाटिल साहब का नाम इस एयरपोर्ट को दिया जाए इसके लिए रजामंदी दी थी। जो कांग्रेस के सीएम अशोक चव्हाण जी, जब वो सीएम थे तब भी उन्होंने इस चीज़ को रजामंदी दी थी कि इस एयरपोर्ट को दिवाटिल साहब का नाम दिया जाना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस साहब ये सीएम खुद थे तब भी उन्होंने यहाँ पे इस एयरपोर्ट को दिवाटिल साहब का नाम दिया जाए इसके लिए रजामंदी दी थी। दिवाटिल साहब का नाम ही इतना बड़ा है कि हर कोई कहता है कि नहीं, इस एयरपोर्ट को नाम ये दिवाटिल साहब का ही देना चाहिए, पर यहाँ पे शिवसेना किसी के साथ ना बात करते हुए सिर्फ खुद के ही दिमाग से वो चलने का काम यहाँ पे कर रही है, एकदम सरासर ये गलत बात है। ये इस तरीके बातें हम सहन नहीं करेंगे, ऐसा होने नहीं देंगे, और इस एयरपोर्ट को दिवाटिल साहब का ही नाम यहाँ पे मिले इसके लिए हम जी जान से हम कोशिश करेंगे। सर आखिरी सवाल, जिस तरह से राज्य सरकार और पुलिस जो है इस पूरे आंदोलन को डिरेल करना चाहती है, तमाम जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि आंदोलन नहीं होने देंगे, पुलिस आयुक्त और डीसीपी ने खुलेआम इस बात को कहा कि हम किसी भी हाल में इस आंदोलन को रोकने की कोशिश करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये नहीं लगता है कि एक स्वतंत्रता का जो अधिकार, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उसे भी छीनने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है? ये महाराष्ट्र है, ये रायगढ़ है, ये नवी मुंबई है, यहाँ के लोगों को पुलिस की धमकी, पुलिस का बल, इससे ये ऐसा हुआ अगर कहेंगे कि नहीं पुलिस ने परमिशन नहीं दिए, कोई फर्क नहीं गिरता है। यहाँ के लोग हैं, ये लड़वाइये हैं, ये लड़ना जानते हैं, और उल्टा यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे उनको अगर यहाँ पे खुद को मतलब चलो आजमाने की कोशिश की तो उल्टा उसका फर्क मतलब उसका नतीजा एकदम गलत हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जितना हो सके उतना शांति से जाए, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे सबको पता है कि 1984 में, उसके पहले 1981 में, और उसके बाद में भी कितनी बार यहाँ पे आंदोलन हुई है, कोई डरा नहीं है। खुद दिवाटिल साहब यहाँ पे जेल के अंदर थे और फिर भी यहाँ पे ये हुतात्मा हो गए थे, तो ये सब लोग हैं, ये हमारे लोग, ये आगरी लोग हैं, कोली लोग हैं, भंडारी लोग हैं, कुणबी लोग हैं, मराठा लोग हैं, और सब जमात के सारे लोग हैं यहाँ पे। आज के दिन में पहले तो था ऐसा कि यहाँ पे सिर्फ गांव थे और आज तो शहर हो गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संतोष शेट्टी जी भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे एक्टिव है, हैप्पी सिंह हमारे वो भी काफ़ी एक्टिव है, तो सारे सारे जमात के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और दिवाटिल का साहब का नाम ही दिया जाना चाहिए। ऐसा अगर सब लोग ने यहाँ पे अगर डिसीजन लिया हुआ है तो यहाँ पे पुलिस का कोई भी धमकी दे के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस इसका नुकसान जो है वो आम आदमी को हो सकता है। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आम आदमी को इसका ये करे, क्योंकि आम आदमी मतलब हम कौन है, हम आदमी है, पर यहाँ पे अगर सरकार चाहती है कि यहाँ पे आम आदमी को अगर परेशानी नहीं हो तो इस तरीके के बातें हैं वो करना वो बंद करे। पुलिस का गलत यूज़ ये वो ना करे, यही बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि परेश ठाकुर साहब कह रहे थे कि पुलिस या सरकार चाहे लाख रोकने की कोशिश करे, लेकिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए प्रयत्न जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।